पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्डली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, इस चैनल पर विभिन्न कानूनी मुद्दों के संबंध में नए नए वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करके आपकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आज का एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि मुझसे कुछ बच्चों ने यह पूछा है, कुछ विद्यार्थियों ने, कि साहब क्या हम काफ़ी लंबे समय के बाद सर्विस में LLB कर सकते हैं। अपना सपना संजोने के लिए हमारा मकसद LLB करने का है। लॉ फील्ड में देरी से क्या कोई व्यक्ति LLB कर सकता है, ये बताइए। मैं इस वीडियो में इसी बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्या LLB करना उम्र के एक पड़ाव के बाद अच्छा रहेगा? निश्चित तौर पर चाहे कोई भी उम्र हो, गोल्डन ये एक अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी देश के हर नागरिक को कानून की जानकारी होना चाहिए। एक लॉ में कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देश के प्रत्येक नागरिक को भारत के कानून की जानकारी होना चाहिए। मैं व्यूअर्स जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका सबका वेलकम करता हूं। इस पर मैंने लॉ एंड इट्स कैरियर एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें LLB करने के फायदे वगैरह बताए हुए हैं। सामान्यतः LLB आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का तथा 5 साल का भी कुछ यूनिवर्सिटीज में है, जैसे नेशनल वगैरह में। तो उम्र के पड़ाव में जैसे 35 साल की उम्र हो गई, 40 साल, 45 साल, 50 साल, कई लोग रिटायरमेंट के बाद, जब मैं 80s में LLB करता था, मैंने MSc करने के बाद LLB की, उदाहरण के तौर पर मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैंने MSc के बाद उनके कहने से लॉ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स में प्रवेश लिया और मैंने LLB की परीक्षा में टॉप यूनिवर्सिटी में किया। सवाल को एनालिसिस करने के पहले ये मैं और बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली जितनी जल्दी उम्र में आप LLB में एडमिशन ले लेते हैं उतना एंटर करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय रहेगा, सीखने की फील्ड है, जीवन भर सीखना है। इज़ ए गुड आइडिया टू परस्यू दी LLB, यस इट इज़ ए गुड आइडिया टू परस्यू LLB। कैन यू प्लीज एनलाइटन कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर LLB? लेट आने पर यद्यपि उतना लाभ जो कम उम्र में बच्चे आ जाते हैं नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलता है जीवन में। आपका अगर ये मोटो है कि मुझे कानून सीखना है, परस्यू करना है, हमेशा गुड आइडियाज, गुड थॉट्स रखकर पॉजिटिव रूप से चलना है, लॉ सीखने की कोई मेरे मत में आयु निर्धारित नहीं है, नो एज रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, किसी भी आयु में आप LLB की परीक्षा में एडमिशन ले सकते हैं, LLB पास कर सकते हैं। ऑलवेज गुड आइडिया है ये लॉयर बनने का। तो LLB में जब भी आप एडमिशन लें, खूब मेहनत से पढ़ें, कानून को सीखें, समझें। मैं जिस समय पढ़ता था, शाम के समय और दोपहर 2 शिफ्ट लगती थी, मैं दोनों शिफ्टों में उपस्थित होता था। शाम को कुछ सीनियर एडवोकेट्स लॉ पढ़ाने आते थे शाम 5 बजे से 7 बजे तक, और इतनी उम्र कुछ लोगों की थी कि उनको LLB करना आवश्यक नहीं था। कुछ सर्विस वाले भी आते थे, कुछ रिटायर लोग भी आते थे पढ़ने। तो LLB परस्यू करने में, ज्ञान बढ़ाने में कहीं कोई रोक नहीं है, किसी भी उम्र में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये गुड आइडिया है। माय डियर फ्रेंड्स, जिन भी लोगों को LLB करना है, स्टेटस समाज में पाना है, समाज में अच्छे वकील बनना है, क्योंकि समाज में अच्छे वकीलों की हमेशा आवश्यकता रहती है, एक्वायर लीगल नॉलेज, समाज हेल्दी बने, और कानून हर व्यक्ति को पता, जैसा कि मैंने बताया, होना चाहिए। आप LLB करने के बाद एडवोकेट बन सकते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लॉ फील्ड में समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए देरी से भी यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं लॉ कर लूं, मेरे लिए इस फील्ड में मुझे अपना स्थान बनाना है, अपने सपने संजोने हैं, मकसद मेरा यही है, तो आप कर सकते हैं। चाहे आप नौकरी से परेशान होकर LLB करना चाहते हैं बाद में कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, आपका क्या मोटिव है, क्या मकसद है, क्या कारण है, इसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो बस एक मोटिव स्पष्ट अगर आपका है कि क्या आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि आपके पास LLB करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, तो आप चाहे वो जॉब से त्रस्त हो, व्यवसाय आपका नहीं चल रहा है, कोई अन्य कारण है, घरेलू पारिवारिक कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति को लिटिगेशन में जाने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को अगर LLB की परीक्षा पास होता, वकील होता, क्योंकि वकील का एक स्टेटस होता है समाज में, ये अपना स्थान रखते हैं, कोर्ट ऑफिसर होते हैं, और निश्चित तौर पर अच्छा कार्य करने से कुछ पैसे की भी उन्हें आमदनी होती है, पैसा भी कमाते हैं।
तो जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, यदि आप ऐसी स्थिति में LLB करने की आपकी इच्छा जागृत हुई है तो आप LLB की परीक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। समाज को सर्विस देने के लिए इससे अच्छा और कोई उत्तम साधन नहीं है। विधायक सांसद भी कई LLB होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल चैलेंज है कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव आपका वकील बनना हो सकता है। एक उम्र के बाद आप जज, क्लेट, जज की परीक्षा, जैक की परीक्षा, लॉ प्रोफेशन, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मेरे मत में अपना सपना संजोने के लिए मकसद अगर आपका पक्का है, किसी भी उम्र में आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो LLB एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आप LLB की परीक्षा को पास कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो PhD भी कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे इस चैनल पर आप सबका भरपूर स्नेह प्यार मिल रहा है, और मेरा ऐसा सुझाव है कि जो भी व्यक्ति LLB करना चाहता है, पूरे लगन से मन लगाकर अच्छे नंबरों से वो पास हो, अपने कानून के ज्ञान को बढ़ाए। मैं आपका मित्र, रिटायर जज हूँ, और मैं आपको एक अच्छी सलाह के रूप में LLB बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है, ऐसा इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को पहुंचाएं, समाज के लोगों को शेयर करें, लाइक करें। कोई कमेंट्स हो तो इस चैनल पर आप डाल सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।